कंस्ट्रक्शन करने के लिए गया तो सैयद हैदर रजवी नामी शख्स जो डुप्लीकेट पेपर बना लेके आके रोक दिए उन्होंने मेरे को। तो मैं चंद्रालाल के पास पुलिस स्टेशन से रुजू हुआ, बोले बार पुलिस स्टेशन पीएस के सर्कल एसआई आके इन्वेस्टिगेशन करे, उनके फेक डॉक्यूमेंट्स रहने से उनके ऊपर 420 और कुछ और सेक्शंस लगा के उनको केस बुक करे, ये उसको वो केस वापस लियो बोल के ये लोग क्या करें, मेरे को हरासमेंट करना चालू करें, मैं केस वापस नहीं लेने से क्या करें। मिर्ज़ा बाशन बेग एक सरोडी शटर चंद्रायन गुट्टा, मिर्ज़ा लयीक बेग, मिर्ज़ा साजिद बेग, मिर्ज़ा अफसर बेग और हमीद वहीद और इतने जने मिल के एक करीब 12 से 15 लोग हमारे घर पे हमला करता रहे। मेरे वालिद साहब की उम्र 85 ईयर्स है, उनको नीचे डाल के कुंदल कुंदल के मारे, बोलो मेरे ऊपर भी हमला करें, मेरे को भी मारे। मेरे एक बड़े भाई हैं उनको भी पूरा मार के स्टिक से सरोट तोड़ दिए, साथ में दलवारा थे लोग पूरा प्लान बना के आए हुए मेरे पर हमला करें हमारे घर पे, हमको कुछ पता ही नहीं, हमारे घर पे हमला करें, लेडीज को भी मारने की कोशिश करें। उन लोगों की डिमांड केस 420 वापस लियो बोल के है, तो इस नई खाली धमकी देते गए लोग। मेरे भाई को एक दुबई में है ना, मोहम्मद अकबर खान नाम है इनका, इनके ऊपर लैंडमार्क भी बोले ये लोग पीली दरगाह सलाला के पास उन्होंने एयरपोर्ट से आते पर मार देने के लिए धमकी दी उन्होंने। तो हम लोग क्या करें, एम्बेसी में जाके कंप्लेन करें, एम्बेसी वाले कंप्लेन एक्सेप्ट करके डीसीपी साहब को भेजे, मेरे पास उसका लेटर है अभी मौजूद, डीसीपी साहब को बोले इन्वेस्टिगेशन करो बोल के। तो डीसीपी साहब अभी 15 अगस्त रहने से वो अभी कुछ भी नहीं बुलाए मेरे को, ये लोग एक्स रोडी शटर है, इनका ये काम है खाली लड़ना झगड़ना, ऑलरेडी इन लोगों के ऊपर केसेस बुक है। पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, होम मिनिस्टर महमूद अली साहब, कमिश्नर अंजनी कुमार साहब, डीसीपी साहब, एसीपी साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी जान को खतरा है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।